हिसार में आंगनवाड़ी वर्कर्स की हड़ताल आज 10वें दिन भी जारी है। उनकी तरफ से अब घोषणा कर दी गई है कि 2 मार्च के दिन यानी कि कल प्रदेश के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के नारनौद स्थित आवास का वो घेराव करेंगे। वहीं सीटू के राज्य उपाध्यक्ष कॉमरेड सुरेश ने कहा कि आंगनवाड़ी यूनियन के साथ हुए समझौते को सरकार ने लागू नहीं किया, जो बेहद शर्म की बात है। उन्होंने 2 टूक लहजे में सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि उनके आंदोलन को सरकार हल्के में लेने की गलती ना करे, क्योंकि कल सिर्फ वित्त मंत्री के आवास का घेराव किया जाएगा, लेकिन अगर सरकार तब भी नहीं मानी तो उसके बाद पूरे प्रदेश में जगह जगह आंदोलन किए जाएंगे। ऐसा अजय, हमारे 20 तारीख से पहले 10 दिन तो वैसे ही धरना चला, पूरे हरियाणा के अंदर वैसे ही धरने चले हुए। 20 तारीख के बाद लगातार हर 3 दिन के बाद हड़ताल बढ़ा दी जाती है, और ये हमारी 2 मार्च तक हड़ताल हमारी यूनियन का फैसला है बढ़ा दिया। इसमें मुख्य जो मांग हमारी है वो एक तो 10 मार्च 2018 को हरियाणा सरकार के साथ जो समझौता हुआ था जिसमें न्यूनतम वेतन की बढ़ोतरी का सवाल था और अकुशल कुशल मजदूर इनको मानने का सवाल था, इनका प्रोविडेंट फंड कटे वो एक सवाल था, और 65 साल में जब ये आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर रिटायर होती हैं तो एक मुश्त इनको कुछ लाख 2 लाख सरकार के हम घोषणा करेंगे, बाकायदा लिखित में समझौता है। उस नई हमारी कोई डिमांड नहीं है, नई कोई मांग नहीं है, ना कोई आचार संहिता, चुनाव की भी घोषणा हो जाएगी तो भी इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आचार संहिता इसके ऊपर लागू नहीं होगी। समझौता हुआ हुआ उसको लागू कर दे सरकार। पूरे स्टेट की यूनियन का हमारा निर्णय हुआ है कि कल 2 मार्च को ये जो हिसार है, फतेहाबाद है, सिरसा है, जींद है, भिवानी है, ये 5 डिस्ट्रिक्ट यहाँ कैप्टन अभिमन्यु जी के खंडा खेड़ी नारायणों में जाएंगे, उसका आवास का घेराव करेंगे। सत्य खबर के लिए हिसार से विनोद सैनी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।